बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन यखनी पुलाव, जिसके लिए लिया है मैंने आधा आधा किलो गोश्त, 1 कप ऑयल, आधा किलो मैंने चिकन का गोश्त लिया। अब हम इसमें बारीक कटी हुई लच्छे में कटी हुई प्याज हम इसमें ऐड कर देंगे। दो तेज पत्ते हम इसमें ऐड कर देंगे। प्याज को हम हल्की सी गोल्डन फ्राई होने देंगे हम प्याज को। प्याज हमारी अच्छे से गोल्डन हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाले। गरम मसाले में लिया है मैंने 2 दालचीनी टुकड़े, 1 काली इलायची, 1 चम्मच जीरा, 2 बादियान के फूल, 3 हरी इलायची और लौंग काली मिर्च। इसमें ऐड कर देंगे। इसमें हम ऐड कर देंगे आधा किलो गोश्त, जो कि मैंने उसको साफ करके रखा है। और इसमें ऐड करेंगे 2 टमाटर, 2 चम्मच भर के सौंफ धनिया, पिसा हुआ सौंफ धनिया, एक चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, चार ग्रीन चिली मैंने इसे इस तरह काट दिए मैंने। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। एक चम्मच नमक, सौ ग्राम के इतना फेटा हुआ दही, दही ऑप्शनल है, टमाटर हमने इसमें ऐड कर दिया था और ज़्यादा फेटा करना है तो इसमें दही भी हम ऐड कर देंगे। नमक मिर्ची आप अपने हिसाब के अकॉर्डिंग रखें, दही का बहुत अच्छा इसके अंदर टेस्ट आएगा। अब हमें अपनी को पकने देते हैं, ढक कर हम इसको पकने देते हैं। अपनी हमारी बहुत अच्छे से गल गई है, भुन भी गई है और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। गोश्त हमारा ये चिकन का बहुत अच्छे से गल गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल के लिए पानी। चावल मैंने भिगो के रखे थे, 2 गिलास मैंने चावल लिए थे, इस गिलास से मैंने 3 गिलास पानी इसमें ऐड कर दिया है। पानी का लेवल इतना होना चाहिए कि 1 इंच सा इतना लेवल रहना चाहिए। 2 चम्मच नमक हम इसमें ऐड कर देंगे। हम इसमें अभी खोल आने देंगे जब तक हम इसे ढक देंगे, फिर उसके बाद हम इसमें चावल ऐड कर देंगे अपने पुलाव के। अब हम इसमें सोख किए हुए चावल, 15 मिनट मैंने इसे भिगो के रखे थे चावलों, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। नमक हमने इसमें पहले ही 2 चम्मच ऐड कर दिया था, अब हम इसे ढककर पकने देंगे। पुलाव हमारा ऑलरेडी रेडी है, बस के लिए दम में आना है इसको।
गोश्त भी बहुत अच्छे से गल गया है, चावल भी हमारे। बस खाली अभी टेस्ट के लिए उसमें डाला दो हरी मिर्च। थोड़ा सा हरा धनिया, ये हमने येलो कलर इसको हम इसे यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये ग्रीन कलर इसे यहाँ ऐड कर देंगे। अब हम चावल दम में आने देंगे। हमारा पुलाव दम में आया, बिल्कुल रेडी है। ये तैयार है हमारा चिकन पुलाव। इसमें हम कड़ी पत्ता ये है इसे निकाल देते हैं। अलग अलग चावल, बहुत अच्छी हमारी चिकन पुलाव रेडी। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। रेडी हमारा चिकन पुलाव कचुंबर के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो अपनी फैमिली के लिए इसे बनाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए चिकन पुलाव। अल्लाह हाफिज़।